आज हम बेसन से बहुत ही प्यारा नाश्ता बनाएंगे, जिसे देख के तो रहा ही नहीं जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी ये नाश्ता है। तो चलिए हम एकदम मिनटों में बनने वाला बेसन का नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। तो आज हम बेसन से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान होता है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बच्चे देखिए सब्जियां खाने में बहुत इधर उधर करते हैं, सभी के बच्चे ऐसा करते हैं, सब्जियां नहीं खाते। तो आप इस नाश्ते को बनाइएगा और बच्चे सब्जियां इजीली खा लेंगे, क्योंकि ये सब्जियों से भरपूर होता है नाश्ता और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बनाइएगा ज़रूर, मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा और सभी को पसंद भी आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आ जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं आप मेरे या फिर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। सब्सक्राइब लाल कलर का है और फ्री में सब्सक्राइब है। आपको और पे क्लिक कर लेना होगा और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। बेसन का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी छाना हुआ बेसन ले रखा है। अपने अकॉर्डिंग आप बेसन को रखिएगा, कम ज़्यादा आपको कितना लेना है। ये मैंने हींग ले रखी है, हल्दी पाउडर, ये मैंने आमचूर पाउडर ले रखा है, गरम मसाला थोड़ा सा, अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जीरा। और मैं आपको दिखा देती हूँ हमें क्या चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। बारीक कटी हुई हरी धनिया, एक हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई, एक इंच का टुकड़ा एकदम बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, एक प्याज बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ। सबसे पहले तो हम बैटर तैयार करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम डालेंगे अपना ये सारा छाना हुआ बेसन, और बेसन में हम डालेंगे ये सारे मसाले जो हमने ले रखे हैं, एक एक करके हम सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। दो पिंच के करीब हींग डाल देते हैं हम, अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे पानी, एक बैग पानी नहीं डाल, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालते हुए इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। मैंने बैटर को तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, थिक ही रखना है। तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च को और प्याज, एक एक करके सारी सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे, टमाटर को भी डाल देते हैं। सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है और सब्जियों को भी हम बैटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत हम पानी इसमें और ऐड कर देंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इस नाश्ते को बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाने में बहुत इधर उधर करते हैं। तो इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तवे को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और थोड़ा सा हम तवे के ऊपर ऑयल डाल के तवे को ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हम थोड़ा सा ही डालेंगे इतना, और पूरे तवे पे हम अच्छी तरीके से फैला देते हैं इस तरीके से। एक बार में हम 3 से 4 बड़े स्पून डालेंगे बैटर को। मैंने 2 डाल दिया है, ये तीसरा हो गया, और बस इतना ही हम डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम इसे फैलाएंगे इस तरीके से। और फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना ये कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं। बस ऐसे हम फैला देते हैं और इससे ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे और आराम से इसे धीमी आंच में हम पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो ऊपर से आपको एक सूखी सूखी सी लेयर दिखेगी, तभी हम इसे दूसरी साइड होने के लिए पलटेंगे। फ्लेम को मैंने एकदम कम कर दिया था और धीमी फ्लेम में मैंने इसे पका, आराम से इसे दूसरी साइड होने के लिए पलट देते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना बढ़िया बना है, और थोड़ा सा हम इसे ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी सिक जाए। और साइड से थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ऐसे ही। तो ये आराम से सिक जाएगा दूसरी साइड भी, और फ्लेम धीमी ही रखना है। हमारा नाश्ता दोनों ही साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है, मैं आपको इसे पलट के दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया मैंने इसे पका लिया है, ये देखिए इधर साइड से भी पक गया है। हम इसे 2 मिनट के लिए इसलिए कवर करते हैं क्योंकि इसमें जो हमने सब्जियाँ डाली हैं उन्हें पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम अपने नाश्ते को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बना है। सेम इसी प्रोसेस से हम अपने बचे हुए नाश्ते को भी बना लेते हैं।
थोड़ा सा हम ऑयल फिर से डालेंगे और फिर से हम तवे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, क्योंकि बार बार अगर ग्रीस करके आप बनाएंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, तवे में चिपकने का कोई डर नहीं होगा। और देख रहे हैं आप, मैंने नॉन स्टिकी पैन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नॉन स्टिकी पैन नहीं होता, फिलहाल मेरे पास है इसलिए मैंने यूज नहीं किया, कि आप भी इजिली लोहे के ही तवे में अच्छे से इस नाश्ते को बना लें। तवे को ग्रीस करने के बाद हम वापस से बैटर को अपने तवे पे डालेंगे और बीचों बीच ही हम डालेंगे, जैसे कि मैंने उस बार डाला था, सेम उसी तरीके से हमें ये वाला भी बना लेना है। और आप चाहें तो और मोटा भी रख सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद हो उसी अकॉर्डिंग से आप इसे रखिएगा। थोड़ा सा हम इसे फैला देंगे और फैलाने से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है और सिक भी जाता है जल्दी से। आप इसे किसी प्लेट से या थाली से कवर कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि इसकी सब्जियां बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएंगी और खाने में ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा आपको और मिनटों में ये बनकर तैयार भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फटाफट से बनाइए और सभी को, बड़े हों या बच्चे हों, सभी को हेल्दी नाश्ता खिलाइए। फ्लेम धीमी रखिएगा। अब हम इसे फिर से कवर कर देते हैं। सारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, मैंने सारा नाश्ता बनाकर कंप्लीट कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बना है। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा और काफ़ी हेल्दी भी है। आप बनाइएगा, सभी को खिलाइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आपको पकाना है धीमी आंच में। देखिए दोनों ही साइड से मैंने कितने अच्छे तरीके से पका लिया है, कच्चा ये कहीं पे भी नहीं है, कितना अच्छा बना है। मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा, अगर मुंह में पानी आ गया हो तो प्यारा सा लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको नाश्ता कैसा लगा। मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट पर हम रखेंगे अपने इस नाश्ते को। आप चाहें तो छोटे बच्चे जो हैं उन्हें इस तरीके से बीच से कट कर दीजिए और कट करके दे दीजिए, और आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं आप। और यहाँ से कट कर लिया और फिर थोड़ा सा एक और कट लगा देते हैं हम। मैंने कट कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बना है। आप बच्चों को देंगे तो बच्चे भी एकदम खुश होकर खा लेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आया है एकदम अच्छा सा। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस नाश्ते को। मैंने ये हरी धनिया वाली सॉस ले रखी है ये चटनी, और आप अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी लेके इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये काफ़ी चटपटी सी चटनी होती है, इसलिए इसके साथ तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और आप बनाइएगा और सभी को खिलाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्यारा सा लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब लाल कलर का है और फ्री में सब्सक्राइब है। साइड में दिए हुए बेल आइकन की छोटी सी घंटी है, उसे भी आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ऐसे प्यारे नाश्ते के साथ इंजॉय करिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।